हेलो गाइस, ओटिस से हाय। तो देखिए, आज ओटिस के खाने में है राइस और सॉरी फिश का फ्लैश। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम लोग डॉग को फिश दे सकते हैं या नहीं। तो आज हम आपको बताएंगे कि डॉग को आप फिश बिल्कुल भी दे सकते हो विदाउट एनी सेकेंड थॉट। इट्स वेरी हेल्दी फॉर योर डॉग। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उसको बॉईल कर लेना है, और बॉईल करने के बाद आपको उसका फ्लैश कुछ इस तरह से निकाल देना है। और देखिए, बिल्कुल भी छोटे छोटे भी कांटे जो है वो सारे कांटों को हम लोगों ने निकाल दिया है। ये सारे कांटे आपको निकाल देने हैं, और उसके बाद आपको अपने डॉग को देना है। तो अभी देखिए, इसको देंगे, पहले मिक्स करेंगे। थोड़ा मिक्स कर दिया था हमने एक्चुअली यहाँ पे फ्लैश, फिर सोचा कि आपके लिए वीडियो बना लेते हैं। तो अभी मिक्स करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। इसको स्टे बोला है हमने, देखिए कैसी शक्ल बनाया है। ओटिस ईट, ये अब फटाफट खाना शुरू कर देगा। तो आइए जानते हैं डॉग्स फिश खा सकते हैं या नहीं। तो इसका यही आंसर है कि ऑब्वियसली डॉग्स फिश खा सकते हैं और ये उनके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। पर अगर आप अपने डॉग को फिश खिला रहे हैं तो उसे रॉ फिश मत खिलाइए, उसको प्रॉपरली कुक कीजिए तभी खिलाइए, क्योंकि रॉ जो फिश होता है उसमें कुछ बैक्टीरिया होता है या पैरासाइट होता है जो कि आपके डॉग के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसको प्रॉपरली कुक करके खिलाइए। तो आइए जानते हैं और भी हेल्थ बेनिफिट्स जो कि फिश खाने से डॉग्स को मिलता है। तो फिश खाने से स्किन और कोट जो डॉग का है वो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि फिश में ओमेगा 3 ऑयल होता है जिससे कि आपके डॉग का स्किन और कोट बहुत ही अच्छा रहेगा, और साथ में ही आपके डॉग का जो इची स्किन है वो रिड्यूस होगा, और स्किन में अगर कोई ड्राइनेस है तो वो भी रिड्यूस होगा। डॉग्स में जो जॉइंट पेन का इशू होता है, अर्थराइटिस का इशू होता है, तो अर्थराइटिस रिलीफ के लिए और जॉइंट पेन रिलीफ के लिए फिश बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उसमें जो ओमेगा 3 ऑयल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है जॉइंट पेन रिड्यूस करने के लिए। साथ ही जब डॉग का एज होने लगता है तो उन लोगों को विज़न इशू होता है, तो विज़न इशू रिड्यूस करने के लिए भी फिश बहुत ही हेल्दी है। बहुत सारे डॉग्स का ऐसा होता है कि ओबेसिटी का इशू हो जाता है, तो फिश जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, तो डाइजेस्टेबल होने की वजह से आप अपने डॉग को फिश खिला सकते हैं जिन डॉग्स को ओबेसिटी का इशू है। अपार्ट फ्रॉम दिस बेनिफिट्स, फिश में बहुत ही सारे विटामिंस और मिनरल्स होते हैं जो कि आपके डॉग के हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही नेसेसरी होते हैं। तो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट मेंटेन करने के लिए आपको थोड़े इंटरवल पे फिश फीड करना चाहिए, जैसे कि फिश में आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन और सेलेनियम होता है। तो ये एक प्रॉपर डाइट मेंटेन करने के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है। अब बहुत सारे डॉग फूड में देखेंगे कि जो फिश होता है वो एक प्राइम इंग्रेडिएंट होता है, तो डॉग फूड वाले फिश इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि फिश जो है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है जो कि डॉग के हेल्दी डाइट के लिए नेसेसरी है। पर जब आप कुक करके फिश डॉग को दे रहे हैं तो मेक श्योर उसका जो भी बोन्स है वो सारा हटा दें, क्योंकि जो बोन्स है अगर डॉग खाता है तो वो चोक कर सकता है डॉग को, तो इसलिए रिस्क बिल्कुल भी ना लें और पूरा ही काटा बहुत ही अच्छे तरीके से हटा दें। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस टाइप का फिश हम अपने डॉग को फीड कर सकते हैं। तो जिस फिश में मर्क्यूरी का मात्रा कम होता है आप उस तरह का फिश अपने डॉग को फीड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। खा लिया ओटिस? खा लिया? गुड बॉय, ये भी खा लो। चलो खत्म, से बाय ओटिस, से बाय। इधर देखो, इधर वही हीरो, हीरो से बाय, बाय बाय।